हम भी तुम्हारे साथ चलते हैं लड़की देखने। जी आप कैसे, आप उस बस्ती में नहीं जा सकती। क्यों? बीबी जी मेरी माँ कहती है एक बार किसी लड़की का रिश्ता तय हो जाए फिर उसे ऐसी भीड़ वाली जगह पे नहीं जाना चाहिए, नजर लग जाती है। अच्छा, तुम्हारी माँ कहती है ये? जी। फिर ठीक है, तो हम नहीं जाएंगे। इस अभिमन्यु ने मीठा मीठा बोलकर दादाजी पर अपना जादू चला रखा है। हेलो, हाँ बोलो शेखावत, क्या हुआ? क्या हुआ? नुकसान हो गया? अरे तुमने तो कहा था कि मार्केट ऊपर जाने वाली है। अरे कहने पे मैंने सारे पैसे लगा दिए, दिस वाज माय लास्ट चांस। फोन रखो तुम। अब क्या करूं? कुछ समझ नहीं आ रहा। घड़ी देर हो गई थारे को आने में, मैं तो थारा कब से इंतजार कर रहा था। ये मारा छोरा लेट हो गया, उन्हें काफी बिजी है, आज भी आधे दिन की छुट्टी लेनी पड़ी मारे छोरे ने। बलवंत राणा का खास आदमी है, अरे उनकी पोती की शादी का सारा काम तो यही संभाले। पनादाई, शादी के बाद क्या जिंदगी बहुत बदल जाती है। औरों का तो पता नहीं बेबी जी, पर आपकी जिंदगी बहुत खूबसूरत हो जाएगी उमर साहब के साथ। सच्ची? जी बेबी जी। रघु, कल सुबह मृदुला आंटी के यहाँ जाना है, वो तुम्हें कुछ सामान देंगी, तुम ले आना। जी बेबी जी। अच्छा, क्या खा रहे थे? जी खिचड़ी। अच्छा ये बताओ कैसी थी? जी स्वीट थी। जी नहीं। अच्छी नहीं लगी? नहीं अच्छी है। एक काम करो रघु। हो जाएगा बेबी जी। कल तुम अपनी माँ के हाथ का बना खाना हमारे लिए लेकर आना। जी, जी आप हमारे यहाँ का खाना कैसे? कह दिया ना कि लेकर आना तो बस लेकर आना। तुमने मेरी सुबह सुबह नींद खराब कर दी ये घोड़ी देखने के लिए। What's wrong with you? Relax, sweetie. वहां ठीक से देखो, मुझे पूरा यकीन आज दादाजी अच्छे मूड में हैं, इसलिए तो मैं तुम्हें यहाँ लेकर आई, मौका देखकर पैसे मांगे। फिलहाल तुम्हारी प्रॉब्लम का मुझे यही सलूशन दिखाई दे रहा है। गिरनी तेरा एक डब्बा तो देना। अरे रघु भैया एक बात समझ में नहीं आ रही है, ये जो बेबी जी हैं, ये सच में हमारे घर का ये खाना खाएंगे क्या? मुझे तो लगता है ऐसे ही कह दिया होगा, है ना भैया? अरे वैसे भी कह दिया होगा तो मना थोड़ी कर सकते हैं। हाय भैया, हाय भाभी, आप लोग कब आए? बस थोड़ी देर पहले आए। आओ बेटा आओ, आप भी बैठो, बस खाना लग ही रहा है। हाँ भी, तुम भी हाथ धोकर सबके साथ खाना खा लो। और तुम? हम रघु के आने के बाद खाएंगे। शिवानी बेटे, रघु का इंतजार क्यों? वो दाजू, हमने रघु से कहा था कि वो अपनी माँ के हाथ का बना खाना लाके खिलाए हमें।